क्या है? कौन बताएगा? मिस्टर अली, किसी सवाल का जवाब आप भी दे दें। यस सर। केमिस्ट्री इज द साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आगे दैट नहीं आती। अहमद आप बताएं। Chemistry is that branch of science. We deal with the composition and properties of matter, change in matter and the laws or principles which govern it. शाबाश, बैठ जाओ। अहमद, तुम अपने दोस्त को क्यों नहीं समझाते? अच्छा, तो कल मुलाकात होगी। अली, सबक याद करके आना। Yes sir. यार तू पढ़ता क्यों नहीं है? अरे क्या करना पढ़ के, और थोड़े काम है। यार अगर पढ़ेगा नहीं तो तेरे अच्छे नंबर कैसे आएंगे? अच्छा जी, जरा ये बताओ तुम्हारे नाइन्थ में कितने मार्क्स थे? यार मेरे 415 और मेरे 428। तो बेटा मार्क्स लेने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, पढ़ने की नहीं। मेरी मां तू भी छोड़िए रट्टे वट्टे और कुछ पैसों का बंदोबस्त कर, फिर देख नंबर कैसे आते हैं। यार अगर तू ऐसा करेगा तो जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं नुकसान उठाएगा। ये पाकिस्तान है बेटा, यहाँ सजा नहीं मिलती। रिकंसिलिएशन के नाम पर तमाम केसेस माफ हो जाते हैं। फायदा उसी का होता है जो मौका मिलने पर कुछ करे और फिर तमाम केसेस माफ करवा दे। मेरे दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम जरूर कहीं ना कहीं बहुत सख्त नुकसान उठाओगे। तेरे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए तो इतना शरीफ बन रहे। चल तू मुझे एक बार बता कि अगर तेरे पास पैसे होते तो क्या तब भी तू इतनी ही मेहनत करता? हाँ बिल्कुल, मैं उतनी ही मेहनत करता जितनी आज कर रहा हूँ। तू नहीं समझेगा, लगा रहे तू। इस साल फिर मैं तुझसे ज्यादा नंबर ले जाऊंगा, अखबारों में मेरा नाम छपेगा और तू मुंह छुपाता फिरेगा। सारा साल मेहनत करने के बाद भी तेरे नंबर मुझसे कम आएंगे। तू जो मर्जी कर, मैं तो मेहनत करूंगा। फिर 20 साल का हुआ, मैंने फिर 9 o'clock न्यूज़ पर सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। लग रहे तू खड़ा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू।
जैसे जमीन निकल जाएगी कहेंगे कहेंगे सचमुच हवाओं में उड़ेंगे हैं हम गरीबों के पास इंटरनेट कहाँ यार तू इतनी टेंशन में क्यों है तेरा रिजल्ट तो हमेशा अच्छा ही आता है एक मिनट हेलो जी अबू क्या बहुत अच्छे क्या बात है आपकी अबू ये अहमद भी मेरे साथ ही खड़े हैं तो इसका रिजल्ट भी बता दे रोल नंबर 5277773535 जी मैं इंतजार करता हूँ जी अच्छा चले ठीक है बाय बाय देखा मैंने कहा था ना अखबारों में मेरा नाम छपेगा अरे बता तो सही कितने नंबर हैं मेरे 774 और तेरे 735 अल्लाह का शुक्र है अच्छे नंबर आ गए और मेरे बहुत अच्छे हाँ बिल्कुल क्योंकि मेरे नंबर मेरी और मेरे टीचर्स की मेहनत और मेरे वालदैन की दुआओं का नतीजा है और तेरे नंबर तेरी बेफिक्री तेरे वालदैन की नासमझी तेरे खानदान के पैसे की बरकत और सिस्टम की खराबी ओए बस कर मैट्रिक क्या पास हो गया बड़ा फलसफी हो गया मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था तो तू मिल गया अब मैं चलता हूँ चल ठीक है अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज
तुम यहाँ ही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। अहमद को नौकरी चाहिए, उसके अबू की तबीयत सब खराब है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? हेलो अबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। अबू आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, नौकरी मिल गई तो आप क्या गाड़ी चाहिए? नहीं अबू, बात दरअसल ये है कि पति नौकरी के लिए आया था, उसके अबू की तबीयत सख्त खराब है और उसे पैसों की अशद जरूरत है। तो बेटा उसके लिए दुआ करो, उसे भी कहीं नौकरी मिल जाए। अबू आज मैंने अपने ही दोस्त का हक मारा है, वो मुझसे ज्यादा काबिल है और उसे जरूरत भी मुझसे ज्यादा है। बेटा ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम जानते हो मैंने नौकरी तुम्हें दिलाने के लिए कितनी मेहनत की है। भट साहब की बेटी की शादी पर सोने के सेट तोहफे में दिया, उनकी कितनी जगहों पर दावतें की। अहमद के मुकद्दर में जो कुछ होगा उसे मिलेगा, तुम इसके बारे में मत सोचो। अबू आपने मुझे तो कभी मुकद्दर पर नहीं छोड़ा। बेटा मैं जरूरी मीटिंग में हूँ, आपकी बचगाना बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह हाफिज। मुझे अपने पैसे की ताकत का इस कदर आदी बना दिया कि मैंने कभी ना सोचा
के पैसा तो छीन भी सकता है, खींचा भी जा सकता है। उसके पास नौकरी है, उसके पास तालीम है, और मेरे पास क्या है? अब मुझे कौन नौकरी देगा? कौन करेगा मुझ जैसे बेबस की मदद? कौन करेगा मुझ जैसे बेबस की मदद? सुनो, मुझे माफ कर दो। अबू, काश आपने मुझे कोई हुनर दे दिया था, कोई हुनर, कोई तालीम दे दी होती। मेरे पास क्या है? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आपने मुझे धोखा दिया है, हमेशा मेरे नंबर लगवा देते, और उसका नतीजा आज मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता।